हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकिक तैरो थ्री गाइज। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे वो किस तरीके का फीलिंग्स अभी किस तरीके से फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहे हैं उनके दिमाग में सिचुएशन, उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो आप कहना चाहते हैं, इन फीलिंग्स के थ्रू क्या होगा, इन फीलिंग्स के बेसिस पर उनका नेक्स्ट एक्शन, तो ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। ओके सो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी साइंस के लिए और टाइमलेस भी है। आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। ओके और साथ ही साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, और क्या है उनके अभी की जो सिचुएशन है क्या चल रही है। ओके सो चलिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, तीन कार्ड्स हैं गाइस। वी हैव स्ट्रेंथ, चैरिट एंड एस ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। Six of Swords, ये दो कार्ड है गाइस, मुझे एक की जरूरत है तो मैं इसे नहीं लूंगा। ठीक है तो हम एक कार्ड का वेट कर रहे हैं, एक कार्ड हम लेते हैं अभी, रुकिए देखते हैं क्या आता है निकल के। आ गया है एक कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस। ओके सो गाइस, यहाँ पर आए हैं साइंस जो हैं हमारे, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो वी हैव स्पेशल, कैंसर वी हैव स्पेशल, एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड बाकी साइंस तो सेम ही है सारे, और लिब्रा भी हमारे पास स्पेशल है। ओके तो गाइज, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, वो कहीं ना कहीं इश्यूज़ जो आए हैं वो आए हैं फैमिली इश्यूज़ एंड इवन थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि कहीं आपकी फैमिली चाहती है कि आपका रिश्ता किसी ऐसी फैमिली में हो जो बहुत ही ज़्यादा, अभी पहले मैं आपके एक सिचुएशन बता रहा हूँ ठीक है, उसके बाद मैं आपके पर्सन की आपको फीलिंग्स बताऊँगा। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली चाहती है कि आपका रिश्ता ऐसे घर में हो या फिर ऐसे परिवार में हो जो काफ़ी रिच हो, काफ़ी ज़्यादा उनके पास एस्टैब्लिशमेंट हो किसी चीज़ की, या तो उनका बिजनेस हो या फिर उनका कोई ना कोई ऐसा हो कि मतलब वो आपके लिए एक एम्बियंट ढूंढ रहे हैं, कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आपको सिक्योरिटी दे पाए वो पर्सन। तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपकी शादी ऐसे घर में हो क्योंकि आप भी बहुत ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, और मे बी आपके भी पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिच है तो वो एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं आपके लिए। बट कहीं ना कहीं आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए आपके पेरेंट्स खुश नहीं हैं, उनके लिए आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनके लिए आपके पेरेंट्स अभी रेडी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में आ गया है ना, इसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच में दूरी है। या हो सकता है इस पर्सन ने आज तक आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स ना बताई हो अब तक, तो मे बी ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, और आप उनके ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हो कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या है ट्रू इंटेंशंस इस पर्सन के, और मे बी ये पर्सन आपको अब तक अपने ट्रूली ये चीज़ें नहीं बता पाया क्योंकि इस पर्सन को पता है मे बी आपके दोनों की कास्ट इशू है
या आप दोनों का रिलेशन अलग अलग है या फिर आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, इसीलिए ये पर्सन अभी तक अपने आप को आपके आगे मतलब दिखा अपनी चीज़ें नहीं दिखा पाया, अपने आपके आगे आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यस, पर अब मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना मन बना चुके हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, कि यस ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बताएंगे। मुझे लगता है कि अब तक जो इन्होंने बातें छुपा रखी थी या फिर अब तक जो भी ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, अब उन चीज़ों को ये शेयर करेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स के कहीं ना कहीं ये अपनी फाइनेंशियल स्टेट को देखकर भी पीछे हट चुके हैं आपसे, क्योंकि इन्हें पता है कि देखिए इनके मन में शायद मे बी ये थॉट चल रहा है कि अगर मैं उस घर में शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मे बी वो लोग इतने रिच हैं और इतने ज़्यादा अमीर हैं, इतना ज़्यादा मतलब उनका एक अलग ही तरीके का बैकग्राउंड है, तो मे बी शायद वहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट कम हो या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट कम हो, जब मेरे मॉम डैड या मेरे सिबलिंग्स वहाँ हैं तो उन्हें उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए। तो मे बी एक चीज़ ये भी हो सकती है आपके पर्सन के दिमाग में, ठीक है, तो मे बी इसलिए ये शायद बहुत सारी चीज़ों को छुपा के चल रहे हैं या चल रही हैं। बट यस, कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि वहाँ जाके मैं कहीं बंध ना जाऊँ या फिर वहाँ जाके उस तरफ अगर मेरी शादी हो जाती है या फिर उस तरफ मेरा रिलेशनशिप बनता है तो कहीं मुझ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल ना लगा दिए जाएँ या फिर मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप ना दी जाएँ या फिर मेरे मुझे हर एक चीज़ से हर एक हालात में बांध ना दिया जाए। कहीं ये ना हो जाए कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप कोई वर्क नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक हाउस वाइफ की तरह रहो, घर में रहो, या फिर एक हो सकता है कि आपको जो आपके इन लॉज हैं अगर आप लड़के हैं तो मे बी शायद आपके ऊपर वो बहुत सारी चीज़ों पर बाउंडेशन लगाएं कि आपको यहाँ नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना, ये नहीं करना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन इन सभी ऑब्स्टिकल्स से अब लड़ने के लिए तैयार हैं और इन ऑब्स्टिकल्स को वो पार करने के लिए तैयार हैं विद द सेवन ऑफ वैंड्स। तो सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड का यहाँ पर आने का मतलब यही है गाइस कि यस, ये पर्सन अब जो हैं थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, इन सभी चीज़ों को अब ये आपको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे और जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में उन सबसे ये लड़ेंगे। विद द सेवन ऑफ वैंड कार्ड में ये देख सकता हूँ उन सभी ऑब्स्टिकल्स को निकालेंगे ये अपनी लाइफ से और ऑब्स्टिकल्स से लड़के उन चैलेंजेस को पार करके अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे या आपके पास आएंगे। विद द चैरियट कार्ड में देख सकता हूँ कि यस, ये आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए हैं और जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में लाइक कास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, फैमिली इशू हो, करियर इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, पैसा ना हो, फाइनेंशियल स्टेट अच्छी ना चल रही हो, इन सभी इश्यूज को अब ये धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं और चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। प्यार आप करते हो अपने पर्सन से और जो आपके पर्सन है वो अपने लिए मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप किसी और से शादी कर लो, वहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और आपका कोई हेल्दी कनेक्शन नहीं बनेगा, वहाँ पर आपको कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो ऐशो आराम आप यहाँ पर देख रहे हो वहाँ वो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स के ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ये पर्सन बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे जो कार्ड यहाँ पर आया दिखा रहा है कि यस, इस पर्सन का जो एक्शन आएगा आपके लिए वो रिकन्सिलिएशन का एक्शन हो सकता है, बिकॉज गाइज मैं यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स देख पा रहा हूँ और सिक्स ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही होता है कि यस, ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और यस, इस पर्सन को अपनी इज्जत का और अपने सम्मान का बहुत ख्याल रहता है, हर वक्त एक ऑनर रखते हैं ये पर्सन, इनको एक रुतबा एक रॉब है इनका। बट यस, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की तरफ उनको वो चीज़ नहीं दिखती है तो इसीलिए ये वहाँ से पैर हटा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ना आए, अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ना आए, तो इसलिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मेहनती नहीं है, हर एक प्रॉब्लम्स में हर एक ऑब्स्टिकल्स में ये आगे बढ़ने की ही सोचते हैं और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। आपको लेके पेज ऑफ वैंड्स मुझे दिखा रहा है कि यस, ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपके लिए वर्क कर रहे हैं और आप तक आने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे बिल्कुल पीछे छुड़ा लिया है, नहीं, ये पर्सन खुद आपसे प्यार करते हैं। बट यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि यस, चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उन चीज़ों को पहले ये कंट्रोल में लाएंगे एंड देन उसके बाद आपके साथ ये रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। वी हैव ट्रूथ, ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके,
we have fulfillment of wish. Okay. Authority. Intuitions and moving on. तो यस, बहुत ही ट्रूथफुल रहने वाले हैं ये पर्सन आगे चल के आपके साथ. बहुत ज़्यादा ट्रूथ, मतलब जजमेंट तो है ही कार्ड का, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रूथ कार्ड भी है. तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन अब बहुत ही ट्रूथफुल रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को ज़्यादा रश नहीं करेंगे, आराम आराम से हर एक चीज़ को चलने देंगे. क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, और एम्प्रेस का मतलब यहाँ पर यही है कि जिस तरीके की ब्यूटी और जिस तरीके की सोल आपकी है, जिस तरीके की इनर ब्यूटी आपकी है, जिस तरीके के इंसान आप हो, काइंड, जेनरस, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान, तो डेफिनेटली ये अब आपके साथ बहुत ट्रूथफुल रहेंगे. ये जान चुके हैं इस चीज़ को कि यस, ट्रूथफुल रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन बनेगा आगे चल के, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन. एंड हमारे पास सोलर प्लेक्सस चक्र आ ही चुका है, तो यस, आई कैन डू इट, इट मींस आई कैन डू इट. तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यस, मैं इस कनेक्शन के लिए अब कुछ भी कर सकता हूँ, हर ऑब्स्टिकल से लड़ सकता हूँ, हर हर्डल से लड़ सकता हूँ, हर इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता हूँ, और मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ अपनी इस विश को फुलफिल करने के लिए. तो यस, फुलफिलमेंट ऑफ विश का भी कार्ड है यहाँ पर. तो देख लीजिए किस तरीके से आप रीडिंग कनेक्ट होती जा रही है एक दूसरे से कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं. तो यस, फुलफिलमेंट ऑफ विश यहाँ पर है. तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यस, इनकी जो विश है, जो आप कोई अपनी विश मानते हैं और आप को ये पाना चाहते हैं, तो यस, ये विश तो इनकी फुलफिल होगी. ओके, एंड जल्द से जल्द इनको अथॉरिटी भी मिल जाएगी, ये वो काम भी करेंगे जिससे इनको एक लाइफ सिक्योरिटी आपको दे पाएँ और आपके साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकें, तो ये वो भी करेंगे. बट अभी ये थोड़ा अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हैं, इनको अपने इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, और जिस भी सिचुएशंस में अभी ये फंसे हुए हैं वहाँ से इन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए. कुछ चीज़ें अभी इन्हें करने की ज़रूरत है, लाइक इन्हें अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है, गॉड में सरेंडर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने लिए वर्क करने की ज़रूरत है. तो इंट्यूशंस को आप भी अपने सुनिए और इन्हें भी सुनने की ज़रूरत है. ओके, वी हैव सैलरी. यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास. फॉरगिवनेस, पास्ट में हुए इवेंट्स को लेकर शायद ही आपसे माफी मांगे, या फिर ये आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाएं, हर एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, हो सकता है. यिंग एंड यांग, इन्फिनाइट कनेक्शन बनेगा अब आपका, कोई नहीं तोड़ सकता इस कनेक्शन को आगे चल के. सेक्सुअल फ्रीडम, तो दोनों एक दूसरे को बहुत फ्रीडम दोगे और सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होगी. रेनबो रिवाइवर, ये सारे इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा. अभी अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हैं इसीलिए ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रहे हैं, तो इनको जरूरत है अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से फॉलोअप करने की और आगे बढ़ने की. डोर टू स्पिरिट, तो यस, मैंने कहा ना, गॉड से और स्पिरिट से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है. एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, आपको ज़रूरत है कि आप अपनी किस्मत के दरवाज़ों को खोलें और भगवान आपके लिए वर्क करें. वाओ, वी हैव द सन. तो यस, पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो ज़रूर आ रही है लाइफ में आपकी, और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगी डेफिनेटली. ओके, वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इन रिवर्स. तो यस, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन अब वर्क तो करने लग गए हैं अपने लिए, बस इनको ज़रूरत है थोड़ी सी हीलिंग की. और हीलिंग अगर ये कर लेते हैं अपनी, तो डेफिनेटली इनकी कम्युनिटी के लोग भी इन्हें पसंद करना शुरू कर देंगे और इनको इनके केयर टेकर बन जाएंगे, इनकी मदद करा करेंगे हर एक चीज़ में. एंड द थिंकिंग वुमन यहाँ पर आया है, तो ये ज़्यादा मत सोचो आप भी, और आपके पर्सन को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन के लिए, अपने आप ये कनेक्शन बन जाएगा, बस आप मैनिफेस्ट करते रहो. आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर. वाओ, वी हैव यस. तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो कनेक्शन बन सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो अनलकीली नहीं बनेगा, ये भी है. मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे. वी हैव
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही फ्यू वीक्स में ये कनेक्शन बन जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है अच्छे से और बी असर्टिव, लगे रहने की ज़रूरत है। लोग आपकी मदद करेंगे, आपके सोल ग्रुप के लोग आपकी मदद करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो। यस, तो यहाँ पर आ गया है कि यस कनेक्शन बन जाएगा, बट साथ ही अगला कार्ड अनलकी लिया। तो यस कनेक्शन बन सकता है, बट अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो अनलकी लिया आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा इन कुछ ही हफ्तों में। तो फिर आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि अभी वर्क करते रहो ताकि अनलकीली आपकी लाइफ से निकल जाए और यस नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कनेक्शन बन जाए और आगे ये कनेक्शन फिर चलता रहे। ओके, सो गाइज ये है आपकी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।